डॉग है, इसको हम लोग ने एक महीने पहले नहलाया था, इसको मेंस की प्रॉब्लम है। इसके पूरे स्किन में इस टाइप की कंडीशन थी जैसे अभी दिख रही है, तो अभी इसके बाल आ गए। हम लोग सेकंड टाइम इसको नहलाने आए और इसकी केयर वो पीछे से मैं खड़ी हूँ। हमने इनको पहले एंटी फंगल शैम्पू से नहलाया है और थोड़े गुनगुने पानी से नहलाया क्योंकि सर्दी काफ़ी हो गई है। इसके बाद इन्हें साफ़ तौलिए से पोंछकर इनकी बॉडी पर कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल और हल्दी मिक्स करके लगाया है ताकि जो इनकी बॉडी में मेंज की दिक्कत है वो थोड़ी कम हो। और डेली कुछ मेडिसिन भी चलाई जाएंगी जिससे इनकी हीलिंग प्रॉपर हो। मेडिकेटेड बाथ देने के बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया था। फर्स्ट डॉग का ट्रीटमेंट कंप्लीट करके हम लोग सेकंड डॉग को ढूंढने जा रहे हैं। ये मैडम आई अपना इलाज करवाने के लिए, खुद ही चली आई। कैमरे के पीछे से सुनता। हाँ, बहुत बड़ा हाथ। क्या करें, हमें कोई लेता नहीं है तो उसको दिखा रहे हैं। भी है इसके साथ मम्मी बन गई है जब इनका पहली देखना कैमरा में सिंगल थी। धोखा हो गया है, ये वाली डॉग नहीं जिसका हम लोग ने पहले ट्रीटमेंट किया था। ये तीसरी डॉग है, ये तीसरी इस एरिया में ऐसी डॉग है जिनको मेंज है और ये पांच छह बच्चों की मम्मी। एक्चुअल में कोई धोखा नहीं हुआ था, ये वही दूसरी डॉग है जिनका ट्रीटमेंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जिस तरह हमने पहले वाले डॉग को मेडिकेटेड बाथ दी थी, सेम प्रोसेस इस डॉग के साथ भी दोहराया गया है। इनको भी सेम प्रॉब्लम है मेंज की। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया। डॉग अभी भी है वैसे ही। ये ऑटो में अपनी सीट पर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है महारानी। अब ये तीसरी डॉग है, इनको मेंज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो इनको मेडिसिन से ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। परसों जब हम काले नंदी का ट्रीटमेंट करने आए थे तब ये नंदी दिखाई दिए थे जिनकी पूंछ पे घाव था। अभी जूम करके आपको दिखाते हैं, इनके पीछे घाव है। ये जो नंदी है इनकी पूंछ के ऊपर गहरा घाव है और इस घाव को कौओं ने नोच नोच कर और भी गहरा कर दिया है। इनकी ज़िंदगी पहले से ही इतनी मुश्किल होती है क्योंकि ये खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और इन्हें जहाँ खाना दिखता है ये वहीं चले जाते हैं। फिर इन्हें थोड़ी ना पता होता है किसी का खेत है। अब जिसका खेत होता है वो इन्हें डंडा मारते हैं। मार से बचने के लिए ये उल्टा सीधा जहाँ जगह मिलती है वहाँ भागते हैं। खेतों में लगे तारों में फंसकर इनके जख्म हो जाते हैं और अब इनकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। अब सोचिए, इनके सामने खाना होने के बावजूद भी ये उसे खा नहीं सकते हैं। फिलहाल हमने इनको उपचार देने के बाद रिलीज़ कर दिया था। कुछ दिनों में ये स्वस्थ तो हो जाएंगे लेकिन ये फिर से खेतों में जाएंगे और वहाँ से फिर ऐसा ही कुछ तोहफा लेकर आएंगे।